हाउ यू होप सो आप सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में लेसन थ्री कुत्ते की वफादारी पूरी स्टोरी समझ ली है, किस तरह कुत्ते की समाधि क्या रीजन है जो आज वहां पर ताकतपुर के तालाब किनारे स्थित है। और उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, सारे क्वेश्चन आंसर अभ्यास और स्वाध्याय के बीच जरूरी वीडियो भेजा और पीडीएफ भेजा आप लोगों को लिख दिया। अब हम इसका ग्रामर टॉपिक जो मैंने आपको कहा था कि इसमें ग्रामर टॉपिक में संज्ञा आता है, संज्ञा मीन्स नाउन, तो आज हम संज्ञा और उसके दो प्रकार दो टाइप जो इसमें संज्ञा आते हैं वो देख लेते हैं, किस तरह उसे डिफाइन आएगी और साथ में उसको अंडरलाइन करके आपको ढूंढना है कि कौन सा वर्ड जातिवाचक संज्ञा है कौन सा वर्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए संज्ञा स्टार्ट। चलिए अब हम संज्ञा पहचानी है, लेकिन संज्ञा कहते किसको है पहले हमको ये देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा। वैसे आपने सिक्स स्टैंडर्ड में किया था संज्ञा मीन्स नाउन, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु जाति भाव प्राणी स्थान आदि का नाम सूचित करते हैं, दैट मीन्स नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु जगह प्राणी भाव और समूह इन सबको सूचित करते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। इंग्लिश में हमें हम नाउन कहते हैं जो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, हिंदी में भले आपके फिफ्थ से आया है सिक्स से आया है लेकिन आप वैसे इंग्लिश में आपने नाउन फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ा है, तो आपको ढूंढने में अंडरलाइन करने में इजी रहेगा अगर आप उसका हिंदी वर्ड के साथ साथ इंग्लिश वर्ड भी याद रखेंगे। मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, जैसे यहाँ है सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, सैनिक हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, देश गंगा भारत की पवित्र नदी है, नदियां अंडरलाइन है यहाँ। इसके अलावा इन काफी में भी जैसे है वो सब क्या है, गंगा देश सैनिक नदी पहाड़ जंगल मेला ये सब बातें ये सब वर्ड्स जो है वो संज्ञा में आते हैं, लेकिन यहाँ हम पहले देखेंगे कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर पहले संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपकी बुक में जो येलो बॉक्स बन रहा है उसमें देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले इसमें समझ लेंगे फिर हम बोर्ड पे भी समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति यानी कि प्रॉपर नाउन, इंग्लिश में व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको आइडिया आ जाएगा, आशा विमान चलाती है, आशा प्रॉपर मेंशन किया है आशा का नाम। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, कोई भी नदी नहीं कौन सी नदी नर्मदा। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन हिमालय। नीम गुणकारी पेड़ है, कोई भी पेड़ नहीं है कौन सा है नीम। तो आशा है नर्मदा है हिमालय है नीम है, ये सारे वर्ड किसी खास खास के ज्यादा जोर दीजिएगा, खास व्यक्ति नदी पहाड़ पेड़ आदि को सूचित करते हैं, खास को एक पर्टिकुलर दैट मीन्स डिफाइंड, किसी खास व्यक्ति प्राणी या स्थान को सूचित करने वाले संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो एक प्रॉपर नाउन है। जो इंग्लिश में आप प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके लिखने किसी का नाम है, कोई भी बच्चा हो किसी भी स्टूडेंट का नाम है तो स्टूडेंट से दैट इज कॉमन, लेकिन पर्टिकुलर बोला है कि देव पर्टिकुलर बोला है श्रेया तो वो सब क्या है व्यक्ति। नदियों का कोई भी नदी हो सकती है बट मेंशन किया है नर्मदा है गंगा है हिमालय है पर्वत या पेड़ के नाम दिया है तो नीम। तो यहां जब पूरी बात एक प्रॉपर वाक्य खास के बारे में हो रही है दैट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। अभी जो यहाँ पे ट्री जैसा बन रहा है इसमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा अलग करती है, जैसे सैनिक सैनिक कोई भी हो सकता है, कोई सैनिक मेंशन नहीं किया है तो ये नहीं है। मोहन मोहन मेंशन किया है लड़के का नाम है मोहन तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वीर सावरकर नाम है नेता का, गुजरात स्टेट का प्रॉपर स्टेट खास स्टेट का नाम है। देश कोई भी देश हो सकता है मेंशन नहीं किया है तो प्रॉपर नहीं है। नदी कोई भी हो सकती है पर्वत कोई भी हो सकता है। गिरना मेंशन किया है तापी मेंशन किया है तो जो नाम है इसमें तापी गिरनार गुजरात
मोहन, वी सावरकर, ये सारे वर्ड्स क्या है? संज्ञा है। ये सारे वर्ड्स क्या है? संज्ञा है। ओके, आया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में? इसके बाद भी कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे हैं हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं, सैनिक। हमारी गाय का नाम गौरी है, गाय पूरी जाति। नदी को लोग माता कहते हैं, कोई एक नदी नहीं है, पूरी नदियों को ले लिया है। कुत्ता वफादार प्राणी है, एक कुत्ते की बात नहीं, पूरे कुत्ते की जाति बता रहे हैं। इसकी डेफिनेशन, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध करते हैं तो वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब जिनसे पूरी जाति बता पड़ रही है, कुत्ता है पूरी जाति, सारे कुत्ते उसमें आ गए, सारे नदी है, सारी नदियां आ गई, पहाड़ सारे पहाड़ आ गए, सैनिक सारे सैनिक आ गए। तो जो शब्द पूरी जाति का उल्लेख करते हैं, दैट इज कॉल्ड जातिवाचक। और इंग्लिश में हम इसको कहेंगे कॉमन नाम। सोल्जर्स है, कोई प्रॉपर नाम नहीं है सोल्जर का। रिवर है, माउंटेन है, लेकिन हिमालय में मेंशन किया, दैट इज प्रॉपर। एंड माउंटेन का हिमालय इज द लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट माउंटेन, तो माउंटेन मेंशन किया था, दैट इज कॉमन। माउंटेन कोई भी हो सकता है, कुत्ता कोई भी हो सकता है, नदी कोई भी हो सकती है, जातिवाचक संज्ञा है। इसमें से जातिवाचक ढूंढ लें, जैसे छात्र है, छात्र कोई भी हो सकते हैं, सेवन बी के भी हो सकते हैं, सेवन सी के भी हो सकते हैं, सेवन ए या डी के, कोई भी छात्र। लड़का कोई भी लड़का हो सकता है, छोटा लड़का बड़ा लड़का। पर्वत कोई भी हो सकता है, तो ये संज्ञा जातिवाचक, ये जातिवाचक, ये जातिवाचक। नीम, अभी नीम मेंशन कर दिया, पेड़ होता तो वो जाति होती, लेकिन नीम मेंशन किया है तो जाति नहीं है। पेड़, गाय, गाय कोई भी हो सकती है, गाय का नाम मेंशन किया होता वो गौरी है, तो गौरी हम व्यक्तिवाचक लेते हैं। खाली गाय लिखा है तो गाय कोई भी हो सकती, पूरी जाति बताती गायों की, पूरी जाति नस्ल। नदी कोई भी हो सकती है, गंगा, रेवा, तापी, नर्मदा, साबरमती। प्रगति, सुभाष चंद्र नाम है किसी का, इसे नहीं। ओके, इस शब्दों में, इस लेसन में हमने दो ही संज्ञा हम कवर कर रहे हैं, फर्स्ट है व्यक्तिवाचक, सेकेंड है जातिवाचक। इस कॉलम में आपको ढूंढ के व्यक्ति और जाति को अलग करना है। एग्जाम में आपको ऐसा भी आ सकता है, एंड सेंटेंसेस आ सकते हैं, आपको अंडरलाइन करके उसका टाइप लिखना है। वर्कशीट में जो भी मैं उसमें भी कराऊंगी, फिलहाल हम इस पर करके बोर्ड पे करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अभी इसमें मैंने ऑलरेडी आंसर्स लिख दिए हैं, जैसे भारत है नाम है देश का व्यक्तिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक, वीर सावरकर व्यक्तिवाचक, सैनिक जातिवाचक, नर्मदा व्यक्तिवाचक, पर्वत जातिवाचक, नीम का पेड़ व्यक्तिवाचक। मेंशन किया ना नीम का पेड़ है, अगर सिर्फ पेड़ कहते तो यहाँ, लेकिन नीम बोला नहीं। ओके, तो यह आपको व्यक्ति और जातिवाचक ये दो संज्ञा हमने करी इस लेसन में। ठीक है, अब इससे करिए एक बार बोर्ड पे इसकी डिफाइन शॉर्ट में, और इसे एक दो एग्जाम्पल देख लेते तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे। चलिए उसको, तो चलिए अब हम बोर्ड पे भी ये संज्ञा समझ लेते हैं। मैंने आपको उस पर दिखाया प्रोजेक्टर पे, अब हम इसमें देखकर भी संज्ञा नाउन क्या है वो समझते हैं। फर्स्ट है, मैं आपको संज्ञा की डिफाइन बता रही हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है ये, बट उसके टाइप्स देखने से पहले आपको वापिस संज्ञा, संज्ञा कहते किसको है वो देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जाति, भाव या समूह को सूचित करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। मतलब जो किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह, कोई भाव, फीलिंग्स है या समूह है, ग्रुप, तो इन सब बातों को जो शब्द सूचित करते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण राम है, दिल्ली, पेड़, नदी, मेला, ये सब इसमें उदाहरण में आएंगे। बट आपको इसमें दो ही टाइप है, तो अब हम इस लेसन से कनेक्टेड दो टाइप इसमें करेंगे। नेक्स्ट लेसन हमारा जब आएगा ना, तब उसमें आगे के टाइप्स आएंगे, तब हम बुक करेंगे। तो इसमें फर्स्ट कौन सा था आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं इंग्लिश में, इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। इसकी डिफाइन है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मेन वर्ड इसमें ये खास है, यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम आएगा, किसी विशिष्ट प्राणी का नाम आएगा, किसी विशिष्ट स्थान का नाम आएगा खास का, तो ही वो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर हिमालय
हिमालय बहुत सारे पहाड़ नहीं है, हिमालय सबसे एक ही माउंटेन, एक ही पहाड़ का नाम है। गौरी है, गौरी किसी गाय का नाम बताया अगर तो वो है। तो जो शब्द फिक्स किसी खास का नाम बताते हैं, भले वो कोई भी हो सकता है, जैसे उसे हम संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके और उदाहरण देखते हैं जिसमें अंडरलाइन कर रहे हैं। जैसे इसमें आशा विमान चला रही है, तो आशा आशा यहाँ पर एक फिक्स विशिष्ट खास व्यक्ति का नाम दे रखा है, इसलिए उसको अंडरलाइन करेंगे। दिल्ली एक बड़ा शहर है, बड़े शहर तो बहुत सारे हैं, हमने किसको मेंशन किया है? दिल्ली को। दिल्ली जो भारत का एक बड़ा शहर है, खास शहर। गंगा पवित्र नदी है, नदियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने किसी बात कर ली है? गंगा। आशा, दिल्ली, गंगा, ये सब किसी खास व्यक्ति, स्थान, नदी, इसको सूचित करते हैं। इसलिए ये सब सारी संज्ञाएं क्या होंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। ओके, अब नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, दैट मीन्स कॉमन नाउन, वो देखते हैं ऐसे ही उसकी डिफाइन और उसके कुछ उदाहरण। चलिए, तो अब हम अभी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा देखी, अब हम कौन सी संज्ञा देखेंगे? जातिवाचक संज्ञा। राइट, जातिवाचक संज्ञा दैट इज कॉमन नाउन। तो इसी क्या डिफाइन है कि जो शब्द संपूर्ण जाति का वो कराते हैं। पहले वाले में हमने खास व्यक्ति देखा था, खास को अंडरलाइन करके रखा था, यहाँ संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, यानी पूरी जाति, सैनिक हो गए पूरे, नदियां, पेड़ और पहाड़, देश, जो भी चीज है वो पूरी जाति का बोध करा रही है, कोई पर्टिकुलर पर्सन का नहीं। जैसे सैनिक है, कोई भी सैनिक, पूरे देश के सैनिक, नदी है, सारी नदियां, पेड़ है, कोई भी पेड़ हो सकता है, फिक्स नहीं है कि आम का पेड़, कि जामुन का पेड़, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बात में आपको ध्यान रखना है कि ये सारी बातें संपूर्ण जाति को बोध करा रही हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके हिसाब से अभी हम इसके लिए देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं। जैसे कुत्ता वफादार प्राणी है, तो कुत्ता कुत्ता वफादार प्राणी, सारे कुत्तों के लिए कहा गया कि वो वफादार प्राणी है। हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं, सैनिक। नदी को लोक माता कहते हैं, नदी कोई मेंशन नहीं कि गंगा नदी, नंदा नदी, सारी नदियों के लिए कहा। ओके, तो जो बात संपूर्ण जाति को बता रही है, तो इस लेसन में हमने संज्ञा के दो टाइप देख लिए, एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। ये बताता है किसी खास व्यक्ति वस्तु प्राणी को, ये बताता है पूरी जाति को। दिस इज प्रॉपर नाउन एंड दिस इज कॉमन। होप सो आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपको कई बार अंडरलाइन करने के लिए भी आता है और कई बार आपको वर्गीकरण में क्लासिफाई करना है कि इसको उसमें डालना है और इसको जाति का सकते हैं, तो जैसे भी आए आप इसको करिएगा। बाकी डाउट ये सेशन में क्लियर करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा लेसन भी ओवर होता है, इसका पीडीएफ भेजूंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी लिखे हैं, अब रिविजन शुरू करेंगे एंड कंपोजिशन पार्ट भी हम शुरू करेंगे यूट्यूब। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।